कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर के बीच में एक डिफरेंस, एक बहुत बड़े डिफरेंस को समझ लिया है। हमने ये समझ लिया है कि सिमिलर फिगर क्या चीज़ है। नाउ हमने कहा कि सिमिलर फिगर मतलब, सिमिलर फिगर मतलब सेम शेप। हमने सिर्फ इतना कहा कि सिमिलर फिगर मतलब सेम शेप, लेकिन सेम शेप मतलब क्या? हम सेम शेप है किसी दो फिगर्स का ये कैसे पता लगाएं? हम कैसे बताएं कि हाँ दो फिगर्स का शेप बिल्कुल सेम है? सो शेप को सेम बताने के लिए या शेप को डिफरेंट बताने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया लिखना चाहिए, हमें कुछ क्राइटेरिया बनाने चाहिए, हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए कि सेम शेप का मतलब क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मेंट बाय सेम शेप, सो हाउ विल यू डिफाइन सेम शेप? सेम शेप को आप डिफाइन कैसे करेंगे, किस तरह से बोलेंगे कि दो फिगर्स सिमिलर हैं, दो फिगर्स सेम शेप के हैं? अभी तक हम सिर्फ जनरल ऑब्जर्वेशन से सिर्फ देखकर ये बता पा रहे थे कि दो फिगर्स सेम शेप के हैं या नहीं, लेकिन मैथमेटिकली हमें कैसे दो फिगर्स को सेम शेप का बताना है ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। सो वी विल गोइंग टू डिराइव, वी विल गोइंग टू डिस्कस क्राइटेरिया फॉर कंक्लूडिंग द रिलेशन ऑफ टू और रिलेशन बिटवीन द शेप ऑफ टू फिगर्स। दो फिगर्स सेम शेप के हैं, यह चीज हम मैथमेटिकली कैसे बताएं, मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करें, कैसे साबित करें कि हाँ दो फिगर्स जो हैं वो सेम शेप के हैं। फॉर दैट वी विल गोइंग टू डिराइव, वी विल गोइंग टू डिस्कस टू क्राइटेरिया, ओके, वी विल गोइंग टू डिस्कस टू क्राइटेरिया टू प्रूफ मैथमेटिकली दैट द टू फिगर्स और द नंबर ऑफ फिगर्स हैव द सेम शेप, ओके। और हम इस चीज को डिस्कस करते हैं विद एन एग्जाम्पल, हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। लेट अस सपोज कि मैंने एक इस तरह का फिगर बनाया, ओके, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। मैंने एक इस तरह का स्क्वायर बनाया, लेट अस से ए बी सी डी एक स्क्वायर है एंड द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर्स एंड 2 सेंटीमीटर्स। इस तरह से मैंने एक स्क्वायर को बना दिया। नाउ स्क्वायर बनाने के बाद हमने देखा कि इस स्क्वायर के सभी एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्रीज, और इस स्क्वायर के सभी साइड के लेंथ कितने हैं, 2 सेंटीमीटर्स। फिर मैंने इसी स्क्वायर को देखते हुए एक और फिगर बनाया कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से एक और फिगर बनाया एंड आई नेम्ड इट एज ई एफ जी एच। और ई एफ जी एच में भी मैंने साइड्स की लेंथ 2 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स और 2 सेंटीमीटर्स ही रखी। क्या करा मैंने, एक स्क्वायर बनाया जिसमें साइड लेंथ एज लेंथ 2 सेंटीमीटर्स रखी, और सिमिलरली एक और फिगर बनाया जिसमें साइड का लेंथ बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो कि इस स्क्वायर में है, ओके, दैट इज 2 सेंटीमीटर्स। नाउ क्या ये दोनों फिगर्स मुझे सिमिलर दिखाई दे रहे हैं? क्या इन दोनों फिगर्स के शेप मुझे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? यहां पर मैंने साइड का लेंथ वही लिया है, साइड का लेंथ बदला ही नहीं, लेकिन फिर भी यह दोनों फिगर्स मुझे सेम शेप के दिखाई नहीं दे रहे, ओके? सेम शेप के क्यों नहीं दिखाई दे रहे?
बावजूद इसके कि इसकी सभी एज का लेंथ 2 सेंटीमीटर ही है। अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एजेस को देखूं तो इस एज के कॉरस्पॉन्डिंग यह एज है, इस एज के कॉरस्पॉन्डिंग यह एज है, इस एज के कॉरस्पॉन्डिंग यह एज है और इस एज के कॉरस्पॉन्डिंग यह एज है। सभी एज का लेंथ सेम है बट फिर भी ये फिगर सेम शेप का दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस फिगर के सभी एंगल्स को अगर आप देखेंगे तो इस फिगर के सभी एंगल्स कैसे हैं? 90 डिग्रीज। लेकिन इस फिगर में सभी एंगल्स अलग मेजर के हैं। इस फिगर में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें तो इस एंगल डी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एच है, इस एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जी है। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स जस्ट उसके सामने वाले। ओके, यू कैन से इन अ जनरल टर्म कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब उससे मिलते जुलते। हम देख सकते हैं ये फिगर ऐसा रखा है, ये फिगर ऐसा रखा है, तो इस तरफ वाली जो साइड है और इसके इस तरफ वाली जो साइड है। ओके, जब हम दोनों फिगर्स को सामने से देख रहे हैं, सो दिस बीसी रिप्रेजेंट्स द राइट हैंड साइड, द राइट लेग, द राइट एज ऑफ दिस फिगर, एंड इन दिस फिगर दिस GF रिप्रेजेंट्स द राइट एज। सो दैट्स व्हाई हमने इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग बोल दिया। उसी तरह से इस फिगर का बेस AB है और इस फिगर का बेस EF है, तो क्योंकि ये बेस है और ये भी बेस है, इसीलिए हमने कहा कि ये दोनों आर बोथ ऑफ दी साइड्स आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो व्हाट आई कैन सी इज इन बोथ द फिगर्स इवन द साइड हैव द सेम लेंथ, द साइड लेंथ ऑफ बोथ द फिगर्स आर सेम, बट स्टिल द कंडीशन आई कैन सी दैट बोथ द फिगर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप। एंड व्हाई दे आर ऑफ डिफरेंट शेप? इट्स बिकॉज यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम नहीं है। इन दोनों फिगर्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम नहीं है, सेम बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दो फिगर्स को सिमिलर होने के लिए, दो फिगर्स को सेम शेप का होने के लिए एक यह कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है? विच कंडीशन? द कंडीशन दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी सेम। ओके, द फर्स्ट क्राइटेरिया टू प्रूव दैट टू फिगर्स आर ऑफ सेम शेप इज दैट corresponding angles must be of same measure or the corresponding angles must be same, okay, or must be equal। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर यहां पर एंगल डी 90 डिग्री है तो यहां पर एंगल एच को भी 90 डिग्री होना चाहिए। अगर यहां पर एंगल सी 90 डिग्री है तो यहां पर एंगल जी को भी 90 डिग्री होना चाहिए, तब हम कह सकेंगे कि हाँ ये दोनों फिगर्स सेम शेप के हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और फिगर ड्रॉ करता हूं, एक और इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ करता हूं, लेट अस से PQRS। इस PQRS स्क्वायर में मैं इसकी साइड्स की लेंथ रखता हूं, लेट अस से 4 सेंटीमीटर्स एंड 4 सेंटीमीटर्स। ओके, क्या करा हमने? हमने इस स्क्वायर में साइड का लेंथ कितना रखा? 4 सेंटीमीटर्स। अगर हम इसके एंगल्स की बात करें, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर 90 डिग्री, दिस एंगल एंड दिस एंगल ऑल आर 90 डिग्री। इन सभी इस स्क्वायर में सभी एंगल्स कैसे हैं? 90 डिग्रीज। ओके, सभी स्क्वायर एंगल्स कैसे हैं? 90 डिग्रीज। अब हम जानते हैं कि ये एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है, तो हमने कहा था स्क्वायर और स्क्वायर तो सिमिलर होते ही हैं, सो डेफिनेटली ये दोनों स्क्वायर तो सिमिलर है ही, इनका शेप बिल्कुल मुझे एक जैसा दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन हमने क्राइटेरिया क्या लिखा? हमने क्राइटेरिया लिखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए तब हम कह पाएंगे कि हाँ वो
दो फिगर्स कैसे हैं? सिमिलर हैं। लेकिन अगर मैं एक और फिगर ड्रॉ करूं, लेट अस सपोज लाइक दिस, W, X, Y एंड Z। इस तरह से मैंने एक और फिगर ड्रॉ करा एंड लेट अस से दिस इज 2 सेंटीमीटर्स, दिस इज 4 सेंटीमीटर्स, दिस इज 2 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर्स। नाउ ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, ट्राई टू कंपेयर दिस फिगर विद दिस फिगर। इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। यू विल फाइंड कि इस फिगर में भी क्या है, सभी एंगल्स 90 डिग्री है। ओके, दिस इज अ रेक्टेंगल, इस फिगर में क्या है, सभी एंगल्स 90 डिग्री है। अगर मैं इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करता हूं तो आई कैन सी यहां पर डी एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग जेड एंगल है। ओके, एंगल डी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल जेड। तो ये दोनों कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां पर डी कितना है 90 डिग्री, यहां पर जेड कितना है 90 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल हुए। ओके, सिमिलरली एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाई। ओके, एंगल सी इज 90 डिग्री, एंगल वाई इज ऑल्सो 90 डिग्री। अगेन एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डब्ल्यू, एंगल ए इज 90 डिग्री, एंगल डब्ल्यू इज 90 डिग्री। फिर एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्स, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, एंगल एक्स कितना है अगेन 90 डिग्री। सो वॉट आई कैन ऑब्जर्व इज दैट corresponding angles in these two figures is equal. Okay, the corresponding angles are equal. यहां के angles और यहां के angles, जो corresponding angles हैं वह equal हैं. लेकिन क्या ये दोनों same shape के हैं? क्या आपको A, B, C, D और W, X, Y, Z same shape के दिखाई दे रहे हैं? क्या आप observe कर सकते हैं कि ये दोनों figures same shape के नहीं हैं? So, भले ही ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होना चाहिए, बट स्टिल यह दोनों फिगर्स में शेप का डिफरेंस है, शेप सेम नहीं है। तो फिर ऐसी क्या चीज छूट रही है जो कि हमने अभी तक नहीं डिस्कस करी? ऐसी क्या चीज एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं हो पा रहे और ये दोनों फिगर सिमिलर हो पा रहे हैं? चलिए देखते हैं। जैसा हमने इन दोनों फिगर में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को कंपेयर किया, उसी तरह से अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को कंपेयर भी करते हैं। देखिए एडी के कॉरेस्पॉन्डिंग इस फिगर में डब्ल्यू जेड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। ओके, एडी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, डब्ल्यू जेड। तो हम यहां पर लिखते हैं एडी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, डब्ल्यू जेड। यू कैन सी एडी है 2 सेंटीमीटर्स और WZ भी कितना है 2 सेंटीमीटर्स। ओके, मतलब एग्जैक्टली इक्वल है, एग्जैक्टली सेम है। सिमिलरली इस BC के कॉरेस्पॉन्डिंग XY, आई कैन सी BC साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, XY। BC इज 2 सेंटीमीटर्स और XY भी कितना है 2 सेंटीमीटर्स, ये दोनों भी इक्वल दिख रही है। देन AB के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर WX है, तो AB के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यहां पर डब्ल्यू एक्स दिखाई देती है। नाउ ए बी कितना है, ए बी है 2 सेंटीमीटर्स, डब्ल्यू एक्स कितना है 4 सेंटीमीटर्स। ए बी है 2 सेंटीमीटर्स और डब्ल्यू एक्स है 4 सेंटीमीटर्स। व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज यहां पर डब्ल्यू एक्स इज जस्ट डबल ऑफ ए बी। डब्ल्यू एक्स जो ये साइड है ये ए बी के डबल है। ओके, इट्स जस्ट डबल। सिमिलरली अगर मैं डी सी और वाई जेड को कंपेयर करूं, सो डी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है वाई जेड, डी सी है 2 सेंटीमीटर्स और वाई जेड है 4 सेंटीमीटर्स। सो आई कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज ऑल्सो डबल ऑफ डी सी। वाई जेड कैसा है, इस डी सी लेंथ का डबल है। सो वॉट यू कैन ऑब्जर्व, यहां पर हम देख सकते हैं कि ए डी और वाई जेड, ए डी और डब्ल्यू जेड में तो 1:1 का रेशियो है। ओके, कितना रेशियो है, 1:1 का। क्यों 1:1 का, बिकॉज दोनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल। सिमिलरली अगर मैं बीसी और एक्स वाई को देखूं, तो बीसी और एक्स वाई में कैसा रिलेशन है, यह दोनों भी 1:1 के रेशियो में है।
हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द रेशियो, इट्स 2 cm is to 2 cm. तो रेशियो कितना आया, 1:1. हमने ऐसा लिखा 2:2, तो 2 और 2 कैंसिल, कितना आया 1:1. हमने कंपेयर कर लिया, हमने दोनों साइड्स को कंपेयर करा. सिमिलरली ए बी और डब्ल्यू एक्स को कंपेयर कीजिए. ए बी और डब्ल्यू एक्स को जब आप कंपेयर करेंगे इट विल बी 2:4. सो 2:4 मतलब 1:2. तो यू विल फाइंड ए बी और डब्ल्यू एक्स में रेशियो आ रहा है 1:2. सिमिलरली डी सी और वाई जेड में भी रेशियो कितना आएगा, 1:2. दिस इज 2 cm, दिस इज 4 cm. तो देखिए डिफरेंस कहाँ आ रहा है. डिफरेंस आ रहा है कि दोनों फिगर्स की दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो 1:1 के रेशियो में है, लेकिन बाकी की दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स 1:2 के रेशियो में आ रही है. ओके नाउ अब हम इन दोनों फिगर को कंपेयर करते हैं. इन दोनों फिगर को क्या आपको ये दोनों फिगर सिमिलर दिखाई दे रहे हैं? यस, ये दोनों सेम शेप के दिखाई देते हैं. इस डीसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर एस आर है. डीसी और एस आर में अगर मैं रेशो कैलकुलेट करूं तो डीसी है 2 cm, एस आर है 4 cm. सो आई विल से डीसी इज टू एस आर, कितना आ रहा है 1:2. ओके 1:2. सिमिलरली एडी को अगर मैं एसपी से कंपेयर करूं, सो एडी इज टू एसपी, एडी कितना है 2 cm और एसपी कितना है 4 cm. सो एडी इज टू एसपी इज 1:2. ओके इट इज ऑल्सो 1:2, हम देख सकते हैं. देन सिमिलरली अगर हम बीसी को कंपेयर करें किससे, आर क्यू से. ओके बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, आर क्यू. ये 2 cm है, ये 4 cm है. सो दिस इज 1:2. अगेन द रेशियो इज 1:2. सिमिलरली लास्ट वन लेफ्ट इज ए बी इज टू पी क्यू. ए बी इज 2 cm, पी क्यू इज 4 cm. सो दिस इज 2:4, दैट इज 1:2. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू ऑब्जर्व. अगर मैं इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करता हूं तो सभी साइड्स का रेशियो, सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2, 1:2, 1:2 और 1:2. लेकिन वहीं इस फिगर को जब मैं इससे कंपेयर करता हूं तो साइड्स का रेशियो कैसा आ रहा है, 1:1, 1:1, फिर 1:2 और 1:2. सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द क्राइटेरिया विच विल डिफाइन द सेम शेप और नॉट. ओके सेम शेप को यही क्राइटेरिया डिफाइन करता है. ये क्राइटेरिया क्या क्या कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बिल्कुल सेम होना चाहिए. ये दोनों फिगर सिमिलर इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज सभी एंगल, सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1:2 दिखाई दे रहा है. सो द सेकेंड क्राइटेरिया वी कैन राइट इट एज रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल. तो हमने दो क्राइटेरिया डिफाइन करे मैथमेटिकली, दो फिगर्स को सिमिलर बताने के लिए, सेम शेप के बताने के लिए दो क्राइटेरिया बनाए गए. दैट इज एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को बराबर होना चाहिए. देखिए साइड का लेंथ सेम नहीं है, इन दोनों केसेस में साइड का लेंथ सेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेशियो सेम है. तो हमने देख लिया कि हाँ ये सेम शेप के दिखाई देते हैं. ओके सो दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर सिमिलैरिटी और द सेम शेप ऑफ फिगर्स. अब हम इसी कॉन्सेप्ट को ट्रायंगल्स के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे. इस पूरे चैप्टर में ट्रायंगल्स के रिस्पेक्ट में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बार बार घुमा फिरा के डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे. ओके सो इसे नोट कर लीजिए, टेक अ 1 मिनट ब्रेक और बड़े ध्यान से एक बार पूरा जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए सो एज टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ओके ओके सो हमने जो क्राइटेरिया सेम शेप बताने के लिए या सिमिलैरिटी बताने के लिए जो क्राइटेरिया पढ़ा, हमने दो पॉइंट्स में उस क्राइटेरिया को डिवाइड करा. फर्स्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए एंड सेकेंड इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रपोर्शन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो शुड बी सेम.
So let us solve a question, let us understand how to apply that concept on numericals. Hum ek question solve karte hain. Question is, in each case check whether the pair of figure are similar or not. Okay, in each case we need to check whether the pairs of figures are similar or not. Okay, for example, this pair, we need to check whether this pair, whether these two figures are similar or not. In the second case also we need to do the same, in the third case and in the fourth case. Hame in charo pairs mein ye batana hai ki jo figures in pairs mein diye hain वह figures similar हैं या फिर नहीं. तो similar के लिए क्या criteria? आपको दो चीजें check करनी है, एक तो corresponding angles और दूसरा corresponding sides का ratio. Let us see in this figure. इस figure को अगर हम ध्यान से देखें, I can see, अगर मैं corresponding sides की बात करूं, हम देख corresponding angles की बात करूं, I can see in this figure all the angles are 90 degrees. सभी angles कैसे हैं? 90 degrees है. Okay, इस figure में सभी angles 90 degree है. लेकिन क्या इस figure में भी same चीज हो रही है? क्या इस figure में भी सभी angles 90 degree है? हमें दिख रहा है that angle D is 110 degrees. तो I can see इन दोनों figures में corresponding angles की जब हम बात करेंगे तो corresponding angles में इन इस figure के चारों angles 90 degree हैं, but इस figure का एक angle 110 degree है. तो definitely इस figure के, इन दोनों figures के सभी corresponding angles equal नहीं हैं. हमें बाकी के angles नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि angle C कितना है, angle B कितना है, angle A कितना है, maybe वह तीनों 90 degree हों, we don't know that. But what we know is that at least one of the corresponding angle is not equal. Okay, at least one of the corresponding angle is not equal, because yahan par sabhi 90 degree hai, yahan par ek angle 110 degrees ho gaya hai. Okay, so I will say these two figures are not similar. Yah dono figures kaise hain? Yah dono figures similar nahi hain. Both of these figures are not similar. Now coming to the second one, let us come to the second figure. In the second figure, क्या ये और ये figure similar है? क्या ये figure आपको similar दिख रहे हैं? In this figure, all the angles are 90 degree, and in this figure also, all the angles are 90 degree. अगर हम सिर्फ इन्हें superficially देखें, तो ये figure और ये figure similar नहीं दिखाई देते. लेकिन हम यूज करेंगे क्राइटेरिया, हम मैथमेटिकल क्राइटेरिया की मदद से ही पता लगाएंगे कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, सेम शेप के हैं या फिर नहीं. देखिए, इस फिगर की चारों साइड्स 2.1, 2.1, 2.1 एंड 2.1, और इस फिगर की चारों साइड्स 4.2, 4.2, 4.2 एंड 4.2. सो इट मींस अगर मैं किसी भी साइड को किसी भी साइड से कंपेयर करूं, लेट अस से मैं इस साइड को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मानता हूं, या फिर इस साइड को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मानता हूं, किसी भी साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग मानू, आई कैन सी कि यहां पर सभी चारों साइड्स 2.1 सेंटीमीटर हैं और यहां पर सभी चारों साइड्स 4.2 सेंटीमीटर हैं. इट मींस हर एक साइड अपने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का डबल है. ओके, यू कैन सी हर एक साइड अपने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का कैसा है? डबल है, जस्ट डबल लेंथ है. देन व्हाट अबाउट एंगल्स? हम देख सकते हैं इस फिगर के चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं और इस फिगर के भी चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं. तो डेफिनेटली यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम है. सो डेफिनेटली द टू फिगर्स आर सिमिलर. कैसे सिमिलर हुए? अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दूं, so it will become equal to this figure. दोनों फिगर का शेप आपको बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा. It's just because ये फिगर थोड़ा सा tilted है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये फिगर और ये फिगर सिमिलर नहीं है. लेकिन अगर हम क्राइटेरिया से जाते हैं, तो हमने देखा इसके भी चारों एंगल्स 90 हैं, इसके भी चारों एंगल्स 90 हैं,
सो डेफिनेटली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सभी में इक्वल है. देन व्हाट अबाउट साइड, इसकी चारों साइड्स 2.1 सेंटीमीटर हैं, इसकी चारों साइड्स 4.2 सेंटीमीटर हैं. सो आई कैन सी कि इस फिगर का जस्ट डबल है ये वाला फिगर. इस फिगर की साइड्स कैसी हैं, जस्ट डबल हैं. ओके, इट्स टू टाइम्स. सो रेशियो कैसा है, 1:2. ओके, ध्यान से देखिए, 1:2. यहां पे ये 2.1 है, यहां पर ये 4.2 है. सो 1:2 का रेशियो है. ओके, सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा है, 1:2. अगर इस फिगर में एक भी साइड 4.2 के अलावा कुछ लेंथ की हो जाती, लेट अस सपोज दिस PQ, इस PQ का लेंथ 4.2 की जगह कुछ और हो जाता, लेट अस से 5 सेंटीमीटर हो जाता, तब भी क्या ये दोनों से फिगर सिमिलर होते? ऑब्वियसली नहीं होते, बिकॉज उस केस में यहां पर जो साइड्स का रेशियो है, जो 1:2 रेशियो आ रहा है, वह रेशियो बिगड़ जाता. ओके, सो डेफिनेटली ये दोनों फिगर्स तो सिमिलर हैं. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, थर्ड में हम देख सकते हैं इस फिगर की चारों साइड्स कैसी हैं, इस पॉलीगॉन की चारों साइड्स कैसी हैं, 1.5 1.5 1.5 एंड 1.5. अगर मैं इस फिगर की चारों साइड्स को ध्यान से देखूं तो इस फिगर की चारों साइड्स कैसी हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. सो आई कैन सी यहां पर यह इस साइड का डबल है, यहां पर यह इस साइड का डबल है, यहां पर यह इस साइड का डबल है, और यहां पर यह इस साइड का डबल है. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, 1:2 के रेशो में है. इस फिगर की सभी साइड्स कैसी हैं, इनके इस फिगर की साइड्स के डबल है, जस्ट डबल. तो डबल करने से ये फिगर बना. नाउ तो हमने देखा कि साइड्स का जो रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, वह तो इक्वल है, दैट इज 1:2. लेकिन व्हाट अबाउट एंगल्स, हम इस फिगर में देखें तो चारों एंगल्स कैसे हैं, 90 डिग्री. लेकिन इस फिगर में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा. जब इस फिगर में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है और इस फिगर के चारों एंगल्स 90 हैं, तो क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो सकते हैं? क्या इन दोनों फिगर्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फॉर एग्जाम्पल एंगल पी और एंगल डी, क्या एंगल पी और एंगल डी बराबर है? बिल्कुल भी नहीं. सो डेफिनेटली यहां पर साइड्स का प्रपोर्शन, साइड्स का रेशियो बिल्कुल सेम है, लेकिन एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अनइक्वल हैं. तब क्या ये फिगर सिमिलर हो पाएंगे? नहीं. सो आई विल से दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर. ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है. ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, आई कैन सी इन दिस फिगर मुझे चारों एंगल्स दिए हैं और चारों साइड्स भी दी हैं. इस फिगर में भी चारों एंगल्स और चारों साइड्स दी हैं. अब आपको देखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. देखिए यहां पर यह एंगल 90 डिग्री है, क्या मैं इस 90 डिग्री एंगल को इस 85 डिग्री एंगल से कंपेयर करूंगा? नहीं, मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने हैं. आई कैन सी इस ट्राइंगल में, इस फिगर में यह एंगल 90 है और यहां पर इस फिगर में यह एंगल 90 है. सो आई विल से दैट एंगल डी इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल सी, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टू एंगल एस. ओके, सो एंगल डी और एंगल एस कैसे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सिमिलरली दिस एंगल इज 120 डिग्री, एंगल ए. तो एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल पी. ओके, एंगल पी दैट इज 120 डिग्रीज. ओके, एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग भी कोई एंगल दिखाई दे रहा है? यस, दिस इज 65 डिग्री. यह दोनों एंगल 65 डिग्री. नाउ व्हाट अबाउट एंगल सी, एंगल सी इज 85 डिग्री, यहां पर एंगल आर है 85 डिग्री. तो यह दोनों एंगल्स कैसे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, नाउ दिस सी डी लेंथ को देखिए. सी डी लेंथ कैसे बनी है? 90 डिग्री और 85 डिग्री के बीच में जो लेंथ है, जो लाइन है, दैट इज सी डी. इसके लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर्स. ओके, इस साइड का लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर्स. सो यहां पर भी 90 और 85 एंगल के बीच में जो साइड है उसको हम देखते हैं. यहां पर इसका साइड कितना है? 2 सेंटीमीटर्स. क्या मैं कह सकता हूं कि सी डी और आर एस कॉरस्पॉन्डिंग साइड है? यस, मैं कह सकता हूं. वाई? बिकॉज ये एंगल और ये एंगल बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है. ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच में जो साइड है, दैट शुड ऑल्सो बी द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. ओके, सो आई कैन सी आर एस
and CD are corresponding sides. This is RS and this is CD. RS is 2 centimeter, CD is 4 centimeter. So in dono ka ratio kitna hua? 1:2:2. Okay. So in dono ka ratio kitna hua? 1:2:2. Similarly, AD. AD side kaise bani hai? AD side is between 90 degree and 120 degree. तो यहां पर भी हम 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में साइड देखते हैं, वह कौन सी है? पी एस. सो हम कहेंगे ए डी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी एस. ओके, पी एस और ए डी कैसी है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. सो पी एस एंड ए डी. पी एस का लेंथ है 1.5, ए डी का लेंथ है 3. ओके, सो व्हेन यू कंपेयर दिस इट विल बिकम 1:2:2. ओके, तो यह रेशियो भी कितना आएगा? 1:2:2. सिमिलरली लेट अस कंपेयर द थर्ड साइड. This angle C and angle B, ये angle 65 है, ये angle 85 है. 85 और 65 के बीच में जो side है, that is BC is 5 centimeter. इस triangle में 85 और 65 के बीच में this RQ is the side, which is 2.5 centimeter. So हम कहेंगे कि BC and RQ are corresponding sides, okay? Because 65 ये angle के corresponding है और 85 यह angle के corresponding है. सो डेफिनेटली इन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है यहां पर और इन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है यहां पर, ये दोनों साइड्स कैसी हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. सो वी विल कंपेयर आर क्यू विथ बी सी. ओके, आर क्यू इज 2.5 एंड बी सी इज 5. सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, इट विल गिव यू 1:2:2. नाउ व्हाट इज द फोर्थ साइड लेफ्ट? दिस इज ए बी. 120 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में जो साइड है दैट इज ए बी. यहां पर 120 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में जो साइड है वह है पी क्यू, दैट इज 2 सेंटीमीटर. सो कंपेयर पी क्यू एंड ए बी. सो पी क्यू इज टू ए बी, पी क्यू इज 2 सेंटीमीटर, ए बी इज 4 सेंटीमीटर. एंड व्हेन यू सॉल्व दिस इट विल गिव यू 1:2:2. सो जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द रिलेशन. अगर मैं सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को कंपेयर करूं, सो आई कैन सी हर केस में जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो 1:2:2 ही आ रहा है. ओके, सो क्योंकि अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी 1:2:2 ही है हर केस में, सो आई विल से दैट बोथ दीज फिगर्स आर सिमिलर. यह दोनों फिगर्स कैसे हैं? यह दोनों फिगर्स बिल्कुल सिमिलर हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी. अब हम पूरी तरह से डिस्कशन को डाइवर्ट कर देंगे ट्राइंगल्स पे. अब हम इस तरह से डिफरेंट पॉलीगॉन्स, डिफरेंट फिगर्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे. ओके, सो इसे नोट कर लीजिए, टेक अ 1 मिनट ब्रेक और पूरी तरह से रिवाइज कर लीजिए कि हमने किस फिगर को सिमिलर कहा और क्यों कहा और किस फिगर को सिमिलर नहीं कहा. तो क्यों नहीं कहा ये भी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू.